मैंने तेरे भाई को कत्ल किया है। मैंने ही उसे खाई में धक्का दिया था। अगर हिम्मत है कैदियों को छोड़ दे, अपना हिसाब मुझसे बराबर कर। मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ, लेकिन पहले तुम्हें ना मारा जाएगा ताकि अंदाजा हो सके भाई मरे तो कैसा दर्द होता है। मौत के लिए गिड़गिड़ाओगे तुम सलाउद्दीन, यूं मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर तुम्हारा सर कलम करके गैब्रियल का लूंगा मैं इंतकाम। तुम बेशक एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बराबर करो, लेकिन इस वक्त मुआहदे की पाबंदी करो और मेरा बेटा मुझे दे दो। मैं किसी शाह बाल्डविन और नूरुद्दीन संगी को नहीं जानता, मुझे क्या परवाह उनके मुआहदे की। अस्कलान से एक भी कैदी नहीं ले जा सकते तुम। शाह बाल्डविन ने शहजादी विक्टोरिया के लिए समझौता किया है, लेकिन मुझे उस्ताद आजम भी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ मुआहदे में। तुम्हें उसकी पाबंदी करनी चाहिए जो कुछ तहरीर किया गया है। ये कैदी इस वक्त अस्कलान के नहीं बल्कि मेरे हैं, इसलिए तुम्हें यकीनन मेरी शरायतों को मानना पड़ेगा। मुझे और मेरे भाई गैब्रियल को उस्ताद आजम ने पाला है। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते, एक भी कैदी तुम्हारे हवाले ना होगा। अगर ब्लैकफोर्ड दिया जाएगा तो अस्कलान लिया जाएगा। अगर तेरा भाई मेरी मानता जिंदा रहता वो, और अगर तुमने भी अपने भाई की रविश इख्तियार की, जिंदा ना रहोगे तुम। मेरे भाई ने अस्कलान के लिए जान निसार की है, बेहतर यही है कि अस्कलान का ख्याल जाने दे बस। अब ये मुआहदा अपने बेटे के लिए कबूल किया था मैंने, तब तक न जाऊंगा जब तक वो मिल नहीं जाता मुझे। तुमने मुझे डरा दिया शायद, अभी तुम्हारे हवाले करता हूं तुम्हारा बेटा। बेटा अलील, मेरे बेटे, सलाउद्दीन के साथियों को मार डालो। रुको, अब कुछ अंदाजा हुआ तुम्हें क्या क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ सलाउद्दीन। अस्कलान भूल जाओ सदा के लिए, तुम ब्लैकफोर्ड उस्ताद आजम को लेकर आओगे यहां खुद अपने साथ। कबूल किया जाए, बादशाह उस्ताद इनके हवाले किया जाए। हिम्मत ना हारे अमीर अजी वकार, अस्कलान हमारे लिए बहुत अहम है। कितने भाई शहीद हुए, हार ना माने। हम अपने भाई शहनशाह की तरह इस मकसद के लिए खुशी खुशी जामे शहादत पी लेंगे। हमारी कोई अहमियत नहीं, मकसद की अहमियत है। तेरा भाई मेरा इरादा ना बदल सका, मेरा हौसला ना तोड़ सका बाल्डविन, गद्दारी का फितना रोक ना सका मुझे। आज कैसे झुक जाऊं मैं, तेरी एक बात ना मानूंगा मैं। कैदी लेकर जाऊंगा और तुम्हें तबाह कर डालूंगा मैं। यानी ये खूनरेज जंग होगी तुमसे, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इंतकाम है सलाउद्दीन। उस्ताद आजम जब तक मिल नहीं जाते तब तक खून बहेगा। और याद रख, ये जंग तब तक खत्म ना होगी जब तक इंतकाम ना ले लूं अपने भाई का।